मान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा, देश की हमारे पहचान है तिरंगा। और देख करके जिसको सिर गर्व से हो ऊंचा, हर देशवासी की शान है तिरंगा। हर देशवासी की शान है तिरंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और देश प्रेम की आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। वतन के वास्ते अपने सदा सम्मान रखती हूँ, वतन के वास्ते अपने सदा सम्मान रखती हूँ, तिरंगे की हिफाजत का सदा ही ध्यान रखती हूँ, तिरंगे की हिफाजत का सदा ही ध्यान रखती हूँ। वतन से ही बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, वतन से ही बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, वतन के ही लिए खुद को सदा कुर्बान रखती हूँ, वतन के ही लिए खुद को सदा कुर्बान रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नारी हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं नारियों के लिए, बेटियों के लिए कुछ कहूँ, यहाँ से इस मंच से कहूँ। तो चार पंक्तियां बेटियों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। अगर बेटी ना हो, मेरी बेटी सामने खड़ी मेरा वीडियो बना रही है, मैं अपनी पंक्तियां अपनी बेटी को समर्पित करना चाहूंगी। स्वागत। अगर बेटी ना हो तो प्यार का आंचल नहीं होगा, अगर बेटी ना हो तो प्यार का आंचल नहीं होगा, किसी की जिंदगी में भी सुनहरा पल नहीं होगा, किसी की जिंदगी में भी सुनहरा पल नहीं होगा, सजेंगी राखियां कैसे किसी की भी कलाई पर, सजेंगी राखियां कैसे किसी की भी कलाई पर, जो बहना के ही धागों का कहीं संभल नहीं होगा, जो बहना के ही धागों का। और कौमी एकता का ये खूबसूरत शहर है और खूबसूरत मंच है, और मैंने इस चीज को यहाँ आके महसूस भी किया। मैं दो दिन से भोपाल में हूँ और जिस होटल में मैं थी वहां पर मैंने खुद ये चीज देखी कि एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद है। तो शाम को मैंने अजान सुनी और सुबह मैंने वहां पर मंदिर की घंटियां और आरती ये सुनी, तो एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। ये सब चीजें मैं दिल्ली में नहीं देख पाती हूँ, यहाँ आके मैंने महसूस किया। तो इस मंच से मैं ये जी सभ्यताओं का संगम होता है भोपाल, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यहाँ आके मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी दूसरे देश में आई हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अपनापन महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ से मुझे तो है, और मैं दिल्ली वालों का फेवर नहीं लूंगी, मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी। मैं यहाँ से एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ बाहरी लोगों ने दिल्ली को खराब कर दिया ये। मैं कहना चाहूंगी, खुदा को ढूंढने वालों, खुदा तो दिल के अंदर है, खुदा को ढूंढने वालों, खुदा तो दिल के अंदर है, ये मंदिर और मस्जिद तो, ये मंदिर और मस्जिद तो इबादत के बहाने हैं, ये मंदिर और मस्जिद तो इबादत के बहाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां आपकी बहुत जोरदार बज रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज
तालियों के लिए हमारे हुल्लड़ मुरादाबादी जी आदरणीय कुछ कह के गए हैं आपके लिए, आप श्रोताओं के लिए। हम लोग बार बार, जो कवि लोग होते हैं वो मंच से बार बार तालियों के लिए निवेदन करते हैं, तो वो निवेदन करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी जो तालियां होती हैं वो हमारा एनर्जी ड्रिंक होती है, इसीलिए हम बार बार तालियों के लिए कहते हैं। तो हुल्लड़ मुरादाबादी जी आपके लिए कह के गए हैं, सुनिएगा। जो भी काव्य पाठ सुनकर ताली नहीं बजाए, सुनिएगा, जो भी काव्य पाठ सुनकर ताली नहीं बजाए, अब मुझे मत कहिएगा मैंने नहीं कहा है, उस जन को विद फैमिली पुलिस पकड़ ले जा। मजा आ गया, हुल्लड़ जी का नाम लेकर अपने दिल की बात कह रही है। वाह चाचा, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो बस पंक्तियां मैंने निवेदित की हैं आदरणीय की, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वहां चाचा जी बैठे हुए हैं, थोड़ा उन्हें हिला डुला के देख लीजिए, लगता है कि जम गए हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी बहुत देर से ऐसे ही जमे हैं, लगता है जम गए। मैं प्रणाम करती हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। और चार पंक्तियां मैं समसामायिक विषयों पर भी लिखती हूँ और देश प्रेम के लिए भी लिखती हूँ और कुछ श्रृंगार भी मैं लिखती हूँ, और जो मेरा श्रृंगार है वो सच्चे प्रेम को समर्पित है। तो मैं शुरू करती हूँ, पहले चार पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जो मैं स्पेशली लिखकर लाई हूँ और पहली बार मैं यहाँ पढ़ूंगी, तो आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। दिल के कुछ एहसास सुनाने आई हूँ, दिल के कुछ एहसास सुनाने आई हूँ, दिल के कुछ एहसास सुनाने आई हूँ, जज्बातों के कुछ अफसाने लाई हूँ, दिल के कुछ जज्बात सुनाने आई हूँ, जज्बातों के कुछ अफसाने लाई हूँ, मिले प्यार उपहार आपकी ताली का, मिले प्यार उपहार आपकी ताली का, गीत गजल की शमा जलाने आई हूँ, गीत गजल की शमा जलाने आई हूँ। और चार पंक्तियां रखती हूँ। मुझे अपना समझ लेना, नहीं कोई पराई हूँ, गीत गजलों के गुलदस्ते कुछ अपने साथ लाई हूँ, मुझे अपना समझ लेना, नहीं कोई पराई हूँ, गीत गजलों के गुलदस्ते कुछ अपने साथ लाई हूँ, दिलों के द्वार की साकल अनीता खटखटाने को, दिलों के द्वार की साकल अनीता खटखटाने को, शहर में आपके मैं दूर से चल कर के आई हूँ, शहर में आपके मैं दूर से चल कर के आई हूँ। और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले चार पंक्तियां और समर्पित करना चाहूंगी, श्रृंगार का यह गीत है, तो मैं पढ़ती हूँ। हो जितने खास तुम उतना कोई भी खास ना होगा, ये मैं अपने प्रेम को समर्पित कर रही हूँ, आप सब भी अपने प्रेम के लिए सोच सकते हैं जो भी आपके हों। हो जितने खास तुम उतना कोई भी खास ना होगा, है कितना प्यार तुमसे ये तुम्हें एहसास ना होगा, है कितना प्यार तुमसे ये तुम्हें एहसास ना होगा, मेरे दिल की हर एक धड़कन में बसते बस तुम ही तुम हो, मेरे दिल की हर एक धड़कन में बसते बस तुम ही तुम हो, मेरी इस बात का तुमको
कभी विश्वास ना होगा मेरी इस बात का, तुमको कभी विश्वास ना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था कि जब अनिता जी कविताएं सुना रही थी तो कुछ लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें देखना है या सुनना है। दोस्तों आइए आपको एक ऐसे शायर की तरफ लेके चलते हैं जिसके नाम का हिस्सा ही हिंदुस्तान है। हम बात कर रहे हैं अख्तर हिंदुस्तानी की। आइए शंकरम जी के शेर के साथ मैं उनके हुजूर पहुंचता हूं कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगु से होता है। मोहतरम अख्तर हिंदुस्तानी साहब आपकी समातों के हवाले। आप नूरानी चेहरा देख सकते हैं दोस्तों में। आप खामोश हो जाएं, अख्तर साहब आपके सामने। काश के मंदिर साहब मुझे सुन पाते, चले गए पीछे। दामन किसी का हाथ, दामन किसी का हाथ खुद होके नहीं लेता। क्या बात है, ये फर्जी चाहते ये मौके नहीं लेता। और परियां उतर आई तो उनसे कहा मैंने, मैं ऐसी हवाओं के झोंके नहीं लेता। छा गए हो मेरे सिंगार बनके, क्या लगभग में मेरी आना फूलों का हार बनके। वाह, और हाथों को देके जहमत हटाओ अपने रुख से, लटकी है रुख तो जुल्फे किसे तलवार बनके। दोनों हाथ लगते हैं मुझे, दोनों हाथ डिस्कों डिसुम डन 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 डिस्कों डिसुम डन 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 तुम्हारी भी डन हमारी भी डन। चलो यहां से शुरू करते हैं, ले लो ले लो। ले लो ले लो दोनों हाथ लगते हैं मुझे, दोनों हाथ लगते हैं। ले लो 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 ले लो। जामुन काले 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 ले लो ले लो। अबे बिना सुने जामुन वाले, तेरा ठेला पीछे की तरफ ला ले। वो तेरी इतनी मजाल के तू ये आवाज लगा ले। मैंने तू चिल्ला पर वो बोल हटा ले, बोले कौन से वाले, मैंने वो जामुन काले काले काले। डॉक्टर साहब वही तो असल है। अबे बिना तुम्हारे लिए असल है। ये किस वतन की तुझमें आदत है इन दिनों, और कब्जे में किसके तेरी ताकत है इन दिनों। औरत कमा रही है तू रोटियां तोड़े, मर्द जात तुझ पे लाना था इन दिनों। ये सुन सुनो तो सही। मैं
मैं मानता हूं मेरे मुकद्दर बदल गए, मैं मानता हूं मेरे मुकद्दर बदल गए, मैं हो गया किसी का वो मंजर बदल गए। उस्मान भाई साहब जनता पार्टी में चले जाओ, जीत जाओगे कसम अल्लाह की। अरे वो जिसको जिल्लत दे वो जिसको इज्जत दे, हम क्यों सिसके मरे? वो दिमागों का फेरने वाला, वो हुकूमतें चलाने वाला, वो दुनिया का चलाने वाला, कि दगा फरेब चोट करारी नहीं करता, तू लूट कर किसी को भिकारी नहीं करता, तेरी किताब में इंसानियत अमन फरमान नफरतों के जारी नहीं करता, हम तुम्हें तबाह करते हैं तेरे मेरे वतन, तू कभी फलक से बमबारी नहीं करता। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छे मुल्क की सुनो तो सही खुशबू, खुशबू खुशबू, अच्छे मुल्क की हिफाजत में है। अच्छे मुल्क की हिफाजत में है, यहां की सांसें आदत में है। कहां जाएंगे बुजुर्गों को छोड़कर, गरीब नवाज भी तो भारत में है। चलो यहां से शुरू करते हैं कि फलक छूती या मौजे भी हमें डुबो नहीं सकती, और वक्ती तूफान में किश्ती अपनी खो नहीं सकती, अगर हम एक हो जाए ए हिंदुस्तान वालों तो बड़ी ताकत जहां में हमसे हो नहीं सकती। चलो यहां से शुरू करते हैं कि जूते मारो शक्लें बदल दो, उठाया है सर तो सर को कुचल दो, और वहां भी तिरंगा लहराए अपना आप जो घुसो तो झंडे बदल दो। मैं तो यू भी लिखता हूं कि पोखरण के बदले चेक कर लेते पाप पे तो ये मच्छर बैठते ही नहीं लास्ट पे। चलो यहां से शुरू करते हैं, बहुत सारे माइक निकले पड़े हैं, उधर वाले इधर वालों को बीच में अक्सर हिंदुस्तानी, हम भी तो हैं मिक्सचर में, फिर क्यों गिनती सिफर में, थोड़ा थोड़ा रोल सभी का आजादी की पिक्चर में। चलो यहां से शुरू करते हैं कि मजहबों के घर इंतजाम ना रखे, और रहीम ना रखे है राम ना रखे, देखता हूं नामों के दुश्मन है लोग, मैंने मेरे बच्चों के नाम ना रखे। चलो यहां से शुरू करते हैं, ले लो ले लो। रमजान का वक्त था, घर में खाली बैठे थे फिजूल, माना कि आज मेरा दौर नहीं है, फिर भी मैं ही मैं हूं कोई और नहीं है। चलो यहां से शुरू करते हैं कि सब्र की किताब के हिस्से जला दिए, ये सदी ने गांव के किस्से जला दिए, चंद चाल वासों ने डिब्बे जला दिए। लूट जला हत्यारे लोग, हो गए वारे न्यारे लोग, रब आया ना राम जी, मर गए कितने सारे लोग। के बाल है अमन की आंखों में, धर्म भुलाए सांसों में, कैसे पाटू मैं नफरत है बहुत है जातों में, और दोनों मजहब वाले हैं जीव है सबके दांतों में, राम रहीम की बातों में लाशें आ रही हाथों में। सुना तो सही, तुम सिर्फ अपने घरों की हिफाजत करो, सब्र की किताब के हिस्से जला दिए, ये सदी ने गांव के किस्से जला दिए, चंद चाल वासों ने डिब्बे जला दिए, रेल से जुड़े सभी रिश्ते जला दिए, के लूट जला हत्यारे लोग, हो गए वारे न्यारे लोग, रब आया ना राम जी, मर गए कितने सारे लोग, के तुम तो समाज हो, तुम हिंदू हुआ ना मुसलमान हुआ, ममता की कोख से तो एक इंसान हुआ है, जो चले गए पाकिस्तानी, जो सुनो तो सही, सब्र करना जो रीत ना होती हिंदुस्तान की, सब्र करना जो रीत ना होती हिंदुस्तान की, वरना घड़ी भर में घड़ी कर देते पाकिस्तान। वो शंकर के कंकर से सुनो तो सही, शंकर के कंकर से तेरा भूत उतारेंगे, और चीन तेरा जो साथ देगा उसे नहीं।
शुरू करते हैं, सुनो तो सही के महाभारत में तुम ही तुम लड़े। कर्बला में बहुत सारे माइक निकल पड़े, कोई कुछ भी बोल रहा है लेकिन दंगे नहीं हो रहे, जबान सबकी चल रही इतनी बड़ी बड़ी। लूट लूट सके तो लूट, कोठी बनाओ, पांव पसारो, चाबुक मारो, ललकारो, अब तो तुम्हें खुला निमंत्रण, आओ देश में गद्दारो। के आवाज चाइना की, वो लपटे चपटे चीनी, ये शर्ट है ना जो मेरी अमेरिका की है, और ये पेंट जो है ना ये जापान की है।